भाई तेरा चैनल डेड हो रहा है, नया चैनल बना ले। हाँ कल ही उस पे 1 लाख सब्सक्राइबर करवा दियो मेरे, है ना बहनचोद। इतना आसान लगता है क्या तुम्हें ये सब? चाहूँ तो कब का छोड़ सकता हूँ उसे चूतिया प्लेटफॉर्म को, जहाँ पे टैलेंटेड चीजों से ज्यादा क्लीवेज देखने में मजा आता है और चूतिया से रिएक्शन वाली चीजों पे हंसी आ जाती है। लेकिन नहीं, तुम्हारे लिए करता हूँ कि कुछ तो अच्छा देखने को मिले और समय आया तो चला भी जाऊंगा बिना बताए। 2 साल ऐसी तैसी करके सींच के चैनल को जैसे तैसे बड़ा किया और एकदम से छोड़ दूं, बहनचोद चूतिया है क्या? खैर छोड़िए, आगे बढ़ने से पहले तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पहले मुर्गी है या अंडा, बताओ बताओ। खैर छोड़िए, ये तो हो गई मजाक की बात। आज हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम की ऐसी सुंदरियों के बारे में, सुंदरियां नहीं सिर्फ एक सुंदरी के बारे में, जो आजकल बहुत चर्चाओं में है। अगर नहीं जानते हो तो किस बात के ठरके हो यार तुम। तो इसका नाम है सैसी पूनम। अब रुक जाओ, पहले इंट्रो कर लेते हैं। तो आज हम जिंदगी के गम बुलाते हुए जहरीली नागिन की फुंकार सुधारेंगे और उसके बाद उसी नागिन की सेम वीडियो में गंदी गेंद फाड़ेंगे। तो शुरू करने से पहले जगाते हैं अंदर परशुराम और करते हैं सादर प्रणाम। इनसे मिलिए, ये हैं द मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस ऑफ इंस्टाग्राम, जिनको ये सब करने के सिवा कुछ भी नहीं आता। तो कैसे हो दोस्तों, क्या हाल चाल है तुम्हारे? तो दोस्तों आजकल आप लोग जानते ही हैं कि इंस्टाग्राम की मादाओं को आजकल फिल्टर लगाने का कितना ज्यादा शौक है। हर वीडियो में इनको चमकीला फिल्टर लगाना तो हमेशा से जरूरी होता है, क्योंकि ओरिजिनल वीडियो में तो ये अच्छी दिखने की नहीं, और रात में देख के इनके खुद के घर वाले ना डर जाएं, इसलिए ये फिल्टर लगाती हैं तुम लोगों को दिखाने के लिए, और तुम चूतिया बन जाते हो रणवीर की तरह, क्योंकि तुमको हिलाने से फुर्सत नहीं है और हिलाने के लिए तो बहाना चाहिए, चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे छोड़ो बहन जो समझा भी किसको रहा हूं। जिसकी होती है शादी वो बैठता है घोड़े पे, और जो मुझसे चलते हैं वो बैठते हैं। This is beyond science. मिडल फिंगर दिखा देती हूँ, कूल लगूंगी। बहन जी जिस चीज को करने की आप बात कर रही है ना, उस चीज के लिए प्रतिभा तो है आपके अंदर, लेकिन साधन नहीं है। अब बने तो ऐसे है भैया जैसे कि 600-700 के फॉलोवर कमा के पूरी दुनिया जीत लियो। Come and live in my heart and pay no rent for you, viral for you. असली बात तो किसी को ना जाने पता हो या ना पता हो, क्या पता आधे फॉलोवर तो पेड़ ही हूँ, वो तो इसकी पोस्ट देखने के बाद लाइक ही बता देते हैं। लगता है इसको फॉलोवर कमाने का कुछ ज्यादा ही शौक है। भैया सबको ऑडियंस चाहिए, सबको बनना है इन्फ्लुएंसर, चाहे वो सही तरीके से हो या गलत तरीके से, फर्क क्या पड़ता है। Left foot, two stop. आए, इतना फिल्टर मेरी आंखें जल गई भाई। प्लस ये चमकीला चमकीला क्या है, फुलझड़ी लगा के रील बनाती हो क्या? बाप रे बाप, इतना फिल्टर, बाप रे बाप, इतना फिल्टर कौन लगाता है भाई? ऐसा लग रहा है कि एक वीडियो बनाने के लिए इसने फिल्टर की बार बार चार चार लेयर बनाई है, और चार लेयर बनाने के बाद दोबारा एक्सपोर्ट करके एक और लेयर बनाई है। ऐसा तो भाई वही लोग करते हैं जो कि ना तो अंदर से खूबसूरत होते हैं और ना ही बाहर से, और मेरी नजर में तो इनके जैसी है, जितना भी फिल्टर लगा लें कभी खूबसूरती बन सकती। प्लस बहन जी ऐसा काम जिंदगी भर कर थोड़ी लोगी, कभी ना कभी तो चेहरे पे झुर्रियां आएंगी, कभी ना कभी तो ये आर्टिफिशियल खूबसूरती गायब होगी, कितना मेकअप लगा लोगी? बाबूजी जो सुंदर होता है ना वो सुंदर ही दिखता है, चाहे वो बिना मेकअप के क्यों ना हो। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। जनता मूर्ख बनती रहेगी मोदी जी, कितनी सरकार लागू हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, ये लोग तब जाके मानेंगे जब पूरा का पूरा इंस्टाग्राम ही बैन हो जाएगा। अब मैं जब इस पे वीडियो बनाने की सोच रहा था तो मैंने इस पे बहुत ही घंघोर रिसर्च करते हुए इसके अकाउंट की लास्ट पोस्ट यानी कि फर्स्ट पोस्ट चेक करी कि किस टाइम पे डाली थी, और वो थी पिछले साल सितंबर 27 की। रणविजय हिसाब लगाइयो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, अब 6 महीने में इन्फ्लुएंसर। अरे बहनचोद, 6 महीने में इन्फ्लुएंसर बन गई बहनचोद, तू क्या मेरी बराबरी करेगा? डिफेमेशन का केस ठोक के गांड फड़वा दूंगी। अच्छा अबे ये क्या बात हुई, इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। इन प्रकार की बातों से ही तो लोग डरते हैं, जैसे पर वीडियो बनाना। बहुत सारे कार्ड पड़े हैं, वो मैं नहीं तो विक्टिम कार्ड। जिंदगी बहुत दर्द भरी हो गई है रणविजय। क्या बोला तूने? अब आते हैं इनकी जर्नी के ऊपर, इन्होंने इतनी मुश्किल भरी जर्नी इंस्टाग्राम पे कैसे पार करी, वो भी सिर्फ 6 महीनों में। शुरुआत इन्होंने फर्जी आईफोन से दरवाजे के पीछे हल्का हल्का छुपते हुए चेहरा दिखाते हुए की, जो कि हर छपरी मॉडल करती है। उसके बाद भी इनका कोई काम बना तो इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए देश की सारी छपरी चूतिया ठरकी ऑडियंस को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद भी इतनी एंगेजमेंट नहीं आ रही थी, फिर इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना अन्वेषी जैन की तरह गंदी बात वाली हरकतें करते हुए स्क्वाट्स लगाते हैं, वो भी हील में। लेकिन वो काम इनसे नहीं हो पाया, क्योंकि वो काम सिर्फ इकलौती हमारी अन्वेषी जैन ही कर सकती है, किसी और की बस की बात नहीं। फिर इन्होंने अपना सीक्रेट और आखिरी पैतरा आजमाया, जो कि था रील्स। अबे गांडू गयानी ज्यादा ज्ञान मत फेल, तेरी आइटम को दे दूंगा सांडे का तेल, मेरी बंदी है हॉट तेरी बंदी है फेल, अब स्टेशन में जाके किसी छक्के को।
उस पे इन्हें कुछ नहीं करना था, अगर हेट कमेंट आते हैं तो गांड फटते ही कमेंट ऑफ कर देना था और व्यूज तो मिलियन में आ ही रहे हैं। ये है टोटल लेखा जोखा इनकी सस्ती छपरी सक्सेस का। कुछ और भी दिमाग में हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसे कहते हैं भाई फास्ट ग्रोथ, 6 महीने में 6 लाख फॉलोवर, और हमारे उधर 2 साल में 4000 फॉलोवर भी नहीं हो पा रहे, वो भी माइनस में जा रहे हैं। क्या बात है ये, कितनी देर चुप बैठेगा एक आदमी, कितनी बार भाग सकर पर तेरे को रिक्वेस्ट करूंगा मैं। श्री कृष्ण जी ने जो बात कही थी वो आज के समय में सच होती दिख रही है मुझे। इंसान अपनी उम्र ऐसे कर्म करके खुद ही खराब करेगा, और ये प्लस इसको लाइक करने वाले लोग, आए हाय आपकी आंखें मन तो करता है इनमें दब के मर जाऊं, हरामी भोसड़ी का मर जा। ऐसे लोग बस यही करते रह जाएंगे, ये फोटो डालेंगे, ये कमेंट करेंगे, हिलाएंगे और सो जाएंगे। ऐसी दुनिया चलती रहेगी और कुछ बदलने नहीं वाला। खैर हम कौन होते हैं भैया समझाने वाले, चलो भाई आगे बढ़ो, चलो चलो शाबाश। चुप बैठा किने दूर में होके मजबूर मैं। दीदी अब सच में रो रही थी क्या? इट हर्ट्स मी, प्लीज रिप्लाई। मादर चोट। आज के बाद मिट्टी दी खुशबू गाने पे कलंक लग गया भाई, आज के बाद नहीं सुनूंगा इस गाने को मैं, इतना पसंद फेवरेट गाना था मेरा। इन नकली आंसुओं ने उस सच्चे बारिश के पानी को झुटला दिया। अरे आर्यन तू तो इमोशनल हो गया बे। लगता है इसका बहुत फेवरेट गाना था। अरे इस गाने को सुन के तो मुझे भी अपनी महबूबा याद आ जाती है। ओए पूनम के आंसू मेरे से देखे नहीं जा रहे। बहन के लौड़े चला जा जा पोछ ले। इस लड़की को इतनी जल्दी है वीडियो बनाने की, ये एक आउटफिट में तीन चार चार वीडियो खींच देती है, वो भी सेम फिल्टर के साथ। देख रहे हो कितना कंटेंट बनाना पसंद है इसको। और कुछ तो इतनी घिनायती फोटो और वीडियोस डाली है इसने अपने इंस्टाग्राम पे कि वो तो मैं यहाँ पे दिखा भी नहीं सकता, दिखा दिया तो मेरे वीडियो के ही लौड़े लग जाएंगे। एक हाथ में शराब तुझे पियो मेरे साथ। नहीं पीनी। मकोड़ा सिंह, लगता है इस छोरी को लाज शर्म बिल्कुल ही नहीं है। एक समय हुआ करता था जब हमारे गांव में मकौड़ियाँ घूंघट से बाहर नहीं निकला करती थी। हम छुप छुप के मिलने जाते थे तब भी हमारी गांड फटा करती थी। यहाँ तो साला सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, प्लस नाचना इसको ढंग से आता नहीं है, पता नहीं क्या दिखा दिखा के फॉलोवर मिल रहे हैं इसको। शायद मैं ही जमाने से पीछे रह गया हूँ लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि नाचना गलत है और ये सब करना गलत है, लेकिन एक हद तक ही ठीक लगता है, वरना तो बहुत ही ज्यादा बेहुदा हरकतें लगती हैं। और लोगों के इतने अजब गजब कमेंट करने के बाद भी इसको समझ में नहीं आती है, पता नहीं क्या है उल्टे दिमाग में चलता है इसके। This is for my haters. Love you. हेटरों को तो छोड़, तेरे तो लवर भी नहीं है, ये 1 लाख लोग जितने भी है ना तेरे को नहीं कुछ और ही देखने आते हैं। और ये लोग वही हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता, कच्चे बनियान में बैठ जाते हैं ओमेगल पे, खासकर 60 साल के अंकल जी। प्यार करोगे मेरे से? रानी बना के रखूंगा रानी। तुम लोगों को क्या लगा था मैं गालियां दूंगी तुम्हें? Love you. अब इससे पहले कि भानु प्रताप अपना शुद्ध मुंह खोले, जाते जाते यही कहूंगा कि तुम्हारी जिंदगी है, जो करना है करो, लेकिन जाते जाते इसकी आईडी पे जाके रिपोर्ट जरूर करो। जी हाँ सही सुना, ऐसे लोगों के अकाउंट डिलीट होने चाहिए जल्द से जल्द। पहली बार कहा है किसी बंदे को मैंने रिपोर्ट करने को, ऐसे कभी नहीं कहा, तो मान लेना। तो यार आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको कुछ ना कुछ तो पसंद आया होगा। और पर्सनल नोट, कमेंट में बैकग्राउंड सॉन्ग का नाम पूछना बंद करो, मैं नहीं बताऊंगा। तो अगर थोड़ा सा भी मुस्कुराहट चेहरे पे आई हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए हमको, और बाकी सब कुछ आपको पता ही है क्या करना है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपने एब्सोल्यूट और दुश्मनों की जिसकी होती है शादी, वो बैठता है घोड़े पे और जो मुझसे चलते हैं वो बैठते हैं।